गुड इवनिंग, मैं हूँ प्रतोष और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्रैक्ड। तो हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने चैप्टर का फर्स्ट हाफ कंप्लीट किया था टिल अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर, और अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। सो अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर में जैसे आप देख सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में बात की थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बेसिकली जो कोल्ड वॉर में जो सारे क्राइसिस हुए थे उसमें से सिर्फ एक ही क्राइसिस था। ऐसे कई सारे क्राइसिस हुए थे जब शूटिंग वॉर या फिर हॉट वॉर को जस्ट अवॉइड किया गया था, मतलब एकदम माइन्यूटली या माइनरली। बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस भी है जिनको हम लोग नोट करते हैं। ये ऐसे क्राइसिस थे या वॉर्स थे जब एक अनदर वर्ल्ड वॉर जैसा सिनेरियो हुआ नहीं, पर दोनों सुपर पावर यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों एक दूसरे के सामने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस पे खड़े थे और अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहे थे। फॉर एग्जांपल द कोरिया वॉर इन 1950 to 53, या फिर द बर्लिन क्राइसिस व्हिच वाज फ्रॉम 1958 to 62, और द कॉन्गो क्राइसिस दैट हैपेंड इन अर्ली 1960s, एंड देयर आर सेवरल अदर एग्जांपल्स टू। इन दिस एग्जांपल नीदर ऑफ द पार्टीज और द सुपर पावर्स वर इन्वॉल्व इन सम विलिंग डिस्कशंस वेयर दे वुड डिस्कस अबाउट थियोरीज वेयर दे वुड बैक डाउन फ्रॉम दिस वॉर। सो बेसिकली वी रेफर टू दिस सिनेरियोज एज फॉर लाइक एरियाज, मतलब एरियाज ऑफ जो बोलते हैं ना एरियाज ऑफ कोल्ड वॉर, अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर, ये बेसिकली क्या है? दीज आर द एरियाज वेयर क्राइसिस और वॉर अकर्ड। वो कोई डिनाई नहीं करेगा वॉर अकर हुई थी, बट इट डिडंट थ्रेटन और इट लाइक बेसिकली डिनाइड एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अ नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर, लाइक दिस वॉर डिडंट क्रॉस अ सर्टेन लिमिट्स। ओके, सो अ ग्रेट मेनी लाइव्स वर लॉस्ट इन द केस ऑफ अरीना इन कोरिया, वियतनाम एंड अफगानिस्तान, बट द वर्ल्ड वॉज स्पेयर्ड अ नेक्स्ट और न्यू न्यूक्लियर वॉर एंड ग्लोबल हॉस्टिलिटीज। देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो वेर द टू ब्लॉक्स वेर चैलेंज एज देर वॉज अ थर्ड ब्लॉक क्रिएटेड। दिस वॉज अ ब्लॉक क्रिएटेड बाई द नॉन अलाइंड कंट्रीज, द नैम मूवमेंट वी वर टॉकिंग अबाउट। हाँ, सो ये नैम मूवमेंट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था इन रिड्यूसिंग द कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड अवर्टिंग सम ग्रेव क्राइसिस, मतलब बहुत सारे ग्रेव क्राइसिस को मतलब मिनिमाइज करना, क्या उनकी पॉसिबिलिटी रिड्यूस करना। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे, प्राइम मिनिस्टर, वो एक बहुत की मिनिस्टर और एक की लीडर थे ऑफ द नैम मूवमेंट। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियाज, द नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, इनके बीच में जब वॉर हुआ था तो हमारे नैम लीडर जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था इन दोनों के बीच में मीडिएशन करने में। और जब कॉन्गो क्राइसिस हुआ था, यूएन सेक्रेटरी जनरल प्लेड अ की मीडिएटरी रोल, जो उस टाइम के यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, उनने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था जिससे वॉर को मिनिमाइज या फिर एक बोल सकते रिड्यूस करने की, ये वॉर ना हो। ठीक है, however since the last cold war since the cold war did not eliminate rivalries between the two alliances, mutual suspicions led them to arm themselves to the teeth and to constantly prepare for war. dekhiye aap bhi jab school jate hain aapke bhi kuch aise matlab honge ki aap unko dost dikhate hain ki aap uske dost ho, par aap usse thodi bahut irsha rakhte ho, aapko lagta hai kahin wo mere se aage to na chala jaye padhai mein ya fir wo koi mujhse kuch acha na kar de, इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी रखते हो और उसी तरह वो भी अपनी तैयारी पूरी रखता है कि कल जब अपने मसल्स फ्लेक्स करने की बारी आई या फिर अपना दमखम दिखाने का बारी आई तब आप अपनी बेस्ट दोगे। वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया, मतलब यूएसएसआर, दोनों ने अपने आर्मरी को एकदम टू द टीट, मतलब टू द टॉप उनने अपने आप को प्रिपेयर रखा था फॉर अ वॉर। बट दे ऑल्सो न्यू कि उनको ऐसे हर एक अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करना है कि एक वॉर ना हो,
तो आप यहाँ पे कार्टून देख सकेंगे जो है पॉलिटिकल स्प्रिंग, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल स्प्रिंग है, आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो कि यूएसएसआर के साथ यूएसए बैठी है, ठीक है। पर आप क्या देख सकते हो, आइडियोलॉजिकली आप जब देखो सोशलिज्म और कम्युनिज्म में यूएसएसआर और चाइना के लिंक्स होने चाहिए, दोनों भाई बहन जैसे होने चाहिए, भाई भाई जैसे होने चाहिए। पर आप जब यहाँ देख रहे हो यूएसए स्मार्टली, या फिर आप कह सकते हो चाइना बिट्रे कर रहा है यूएसएसआर को विथ हैविंग सम टाइज विथ यूएस। चाइना मेक्स ओवरचर्स टू द यूएसए। फिर द फूड फॉर थॉट, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेसिडेंट जॉनसन जो है वो वियतनाम कांग्रेस के नाम के लॉबस्टर को खाने की प्लानिंग में, बेसिकली वियतनाम में रूल करने की उनकी साजिश है। बट वियतनाम रिटेलिएट्स एंड डिजर्व्स एन एग्जांपल ऑफ मोर ओवर ट्रबल्स इन वियतनाम फॉर अमेरिका, ठीक है। सो देयरफॉर मतलब जब ये हो रहा था तो इन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि ऐसा सही नहीं है, हम जब वॉर कभी करेंगे ही नहीं तो इतना ज्यादा पैसों को वेस्ट क्यों करना इतने बड़े आर्मरी और इतने सारे वेपन्स को मेंटेन करने में। तो इसलिए यूएसए और यूएसएसआर ने एक डिसाइड किया टू तो कोलैबोरेट इन सम लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। सो अ स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन्स दे डिसाइडेड कुड बी मेंटेन थ्रू आर्म्स कंट्रोल। तो ऐसे डिस्कशंस होने लगे जिनका नाम था आर्म कंट्रोल। फॉर बेसिकली फ्रॉम 1960s देयर वर द टू साइड साइन थ्री सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट्स। सो ये जो दो सुपर पावर्स थे 1960s से, उनने बैठकर एक रूम में तीन अलग अलग सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट साइन करना स्टार्ट किया। पहला था लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, दूसरा था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और तीसरा था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। सो ये जो तीन ट्रीटीज थे इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली दिस वर आर्म्स कंट्रोल की, जो उनके आर्म्स और एम्यूनेशन थे उनके यूज को कंट्रोल करने की बात हो रही थी कि लाइक उनको थोड़ा रिड्यूस यूज हो और उसको ज्यादा यूज ना किया जाए वॉरफेयर में, जिससे ज्यादा मुसीबत ना हो फ्यूचर में। ऑल्सो वी नो कि आर्म्स आर नॉट गुड, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया था। अब हम पढ़ेंगे चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। नॉन अलाइनमेंट ऑफर्ड द न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज ऑफ एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका अ थर्ड ऑप्शन नॉट टू ज्वाइन आइदर अलायंसेस। जैसे हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि ये जो एशिया अफ्रीकन कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से जिनको जस्ट अभी अभी इंडिपेंडेंस मिला था, इस नैम मूवमेंट ने उनको एक ऑप्शन दिया थर्ड ऑप्शन कि वो ना यूएसए के साथ ना यूएसएसआर के साथ वो अपनी इंडिपेंडेंस खुद अपने साथ ही एंजॉय कर सकते थे, लिविंग लाइक लीडिंग अ ग्रेट लाइफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल लाइफ, ठीक है। सो बेसिकली द रूट्स ऑफ नैम वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन थ्री लीडर्स। सो नैम के रूट्स ना उन तीन लीडर्स के फ्रेंडशिप तक जाते हैं, जो है यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के लीडर गमल अब्दल नासिर। इन तीनों ने एक मीटिंग की थी इन 1956 जब से इंडोनेशिया का सुकार्नो और घाना के क्वामा एनक्रुमा ये तीनों उनको सपोर्ट किए थे। तो मतलब तब क्या हुआ था, मीटिंग में ये तीन लोग मिले थे और इन दोनों ने, घाना ने और इंडोनेशिया ने उनको सिर्फ सपोर्ट किया था। बट फिर क्या हुआ, उन लोगों के डेवलपमेंट के कारण अब आज के डेट में हम उन्हें कहते फाइव फाउंडर्स ऑफ नैम, ये पांचों लीडर्स बन गए फाइव फाउंडर्स ऑफ नैम। ये ना क्वेश्चन आता है कि पांच लीडर ऑफ नैम कौन थे, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए ना ग्रे बॉक्स में उनके नाम दिए हुए फाउंडर फिगर्स ऑफ नैम में, जोसेफ ब्रोज टीटो प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर गमल अब्दल नासिर रूल्ड इजिप्ट, सुकार्नो
फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया और यहाँ पे क्वामे एनक्रुमा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ घाना। आप इनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं, ये ग्रे बॉक्स में अंदर है। एक एक दो दो फैक्ट्स याद रखिए, वो आपके लिए बहुत सैटिस्फैक्टरी होगा एग्जाम रिलेटेड में क्वेश्चंस में। तो फिर द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट हैड टेकन प्लेस इन बेलग्रेड इन 1961। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट कब हुआ था। इट वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961। सो ये जो बोलते हैं कि बेलग्रेड में मीटिंग हुई थी, इससे एटलीस्ट तीन फैक्टर्स का कल्मिनेशन हुआ था। वो तीन फैक्टर्स क्या थे? पहले इन पांच कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन, दूसरा कोल्ड वॉर टेंशन और उनके बीच में वाइडनिंग अरीनास के बीच में डिस्कशन, फिर ये जो नए डीकोलोनाइज अफ्रीकन कंट्रीज थे और ऐसे उनका ना इंटरनेशनल अरीना में ऐसे ड्रामेटिक एंट्री हुई थी, कई सारे कंट्रीज एक साथ इस टाइम पीरियड में आने लगे थे जो अफ्रीकन थे। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, बाय 1916 देयर वर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन द यूएन। ठीक है, सो इसके इन तीन डिस्कशंस में हुए थे जो था बेलग्रेड में 1961 में। तो आप यहाँ पे एक डेवलपमेंट देखिएगा, द फर्स्ट समिट वॉज अटेंडेड बाई 25 मेंबर स्टेट। ठीक है, पर लेटेस्ट मीटिंग जो 18th समिट है जो हुआ था अजरबैजान में इन 2019, इट इंक्लूडेड नियरली 120 मेंबर स्टेट एंड 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज। सो दिस इज अ ग्रेट डेवलपमेंट, फ्रॉम जस्ट 25 मेंबर स्टेट इट ग्रोड इन टू Alliance of 120 member states and 17 observer countries. उसके बाद तो हमको भी पता है कि क्या होने लगे, कोविड ने तो हर जगह पे जैसे लॉकडाउन लगाए, और कौन सी समिट होती। This made, मतलब जो इतने सारे लोग आने लगे थे इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, इसने इसको एक बहुत पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट बना दिया। एंड दिस मेड द मूवमेंट लेस होमोजीनियस, मतलब इसके अबाउट एक टर्मोलॉजी नहीं था, इतने सारे लोगों के आने के कारण ये थोड़ा हेट्रोजीनियस हो गया इन द माइंड सेट। इसकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी बदलने लगी और बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करने लगी। एंड ऑल्सो मेड इट मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन इन वेरी नीट एंड प्रिसाइज टर्म वॉट डिड इट रियली स्टैंड फॉर। बेसिकली टेक्स्ट बुक में भी यही दिया है कि नैम को ना डिफाइन करने के लिए नैम क्या नहीं है वो कहना ईजी है, जबकि नाम क्या है सेइंग दैट इज क्वाइट टफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेस शुड नॉट बी कंसीडर्ड आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी, बिकॉज आइसोलेशनिज्म मींस रिमेनिंग अलोफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स। इट सम्स अप, मतलब बेसिकली आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते जो था यूएस की फॉरेन पॉलिसी आफ्टर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1787 टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि कब हुआ था आपके टेक्स्ट बुक में दिया था। यहां देखिए, यहाँ देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड बिटवीन 1914 एंड 1918। इन कंपैरिजन टू द नॉन अलाइन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू राइवल अलायंसेस इन कॉज ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। जैसे हमने पहले भी देखा था कि दो कोरियाज के बीच के वॉर को मीडिएट करने में इंडिया ने कैसा रोल प्ले किया था, तो आप इसको आइसोलेशनिज्म नहीं बोल सकते। देयर स्ट्रेंथ वॉज बेस्ड ऑन देयर यूनिटी एंड देयर रिजॉल्व टू रिमेन नॉन अलाइंड डिस्पाइट द अटेम्प्ट बाय द टू सुपर पावर्स टू ब्रिंग देम इनटू देयर अलायंसेस।
Neutrality refers principally to a policy of staying out of war. Neutrality भी आप non-alignment को नहीं कह सकते because neutrality एक concept है जो एक policy होती है हर type के warfare से बाहर रहने की और ऐसे कोई discussion से जिससे war related हो उससे भी बाहर रहने का. They do not get involved in wars and do not take any position on the appropriateness or morality of a war. Non-aligned states including India were actually involved in wars for various reasons. They also worked to prevent war between others and tried to end wars that had broken out. अब हम आगे पढ़ेंगे new economic order के बारे में. Non-aligned countries were more than merely mediators during the Cold War. The challenge for most of the non-aligned countries, a majority of them were characterized as least developed countries. So, ये जो सारे NAM countries थे, उनको जो upper country, मतलब जो upper world countries थे, जो बोलते हैं first world countries या second world countries, उन्होंने उनको characterize कर दिया था as LDCs. LDC का मतलब क्या हुआ? Least developed जो country होता है ना वो. That was to be more developed economically and to lift their people out of poverty. मतलब अभी हमको और मेहनत करनी पड़ेगी डेवलप्ड होने के लिए और अपने गरीब लोगों को एक अच्छी लाइफ देने के लिए. द आइडिया ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर और अदरवाइज नोन एज NIEO, यह उसका फुल फॉर्म है. उसका ये क्वेश्चन आता है कि NIEO का फुल फॉर्म क्या है. New International Economic Order. This originated with this realization that यहाँ पे UNCTAD का full form दिया है. UNCTAD. इसका full form क्या है? United Nations Conference on Trade and Development. So ये realization क्या हुआ था? United Nations Conference on Trade and Development brought out a report in 1972. उसका title क्या था? Towards a new trade policy for development. So, ये report ने ऐसा propose किया था, a reform of global trading system so as to give the LDCs control over the natural resources exploited by the developed Western countries. Second, क्या इनका propose था? Obtain access to Western markets so that the LDCs could sell their products and therefore make trade more beneficial for the poorer countries and reduce the cost of technologies for the Western countries and provide the LDCs with a greater role in international economic institutions. So, मतलब ये basically LDCs के लिए अच्छा ही था. ये मतलब यार तो आप उनको उनके खुद के natural resources में थोड़ा ज़्यादा रोल दीजिए और उनके कंट्रोल दीजिए, एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट जिससे वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को खुद से अच्छे दामों पे बेच सके, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी उनको थोड़ा सा कम किया जाए और जो डिजिटल डिवाइड है उसको भी रिड्यूस किया जाए, प्रोवाइड द LDCs विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. मतलब बेसिकली ये जो प्रपोजल्स थे, ये सारे प्रपोजल्स जो एक UNTAG ने बनाए थे 1972 में, ये सारे LDCs को और सशक्त बनाने के तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड था. Gradually, the nature of non-aligned alignment changed to give greater importance to economic issues. यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते कैसे दिया है. 1961 में जो फर्स्ट समिट हुआ था बेलग्रेड में, वहां पे इकोनॉमिक इश्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, पर जब हम देखते हैं मिड 1970s में, वहां पे द इकोनॉमिक इश्यूज हैड बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज. इस कारण आगे आने वाले सालों में जाकर NAM बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप एंड बाय द लेट 1980s द NIEO इनिशिएटिव हैड फेडेड, बट मेनली बिकॉज ऑफ द स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज हु एक्टेड एज एन यूनाइटेड ग्रुप वाइल द नॉन अलाइंड कंट्रीज स्ट्रगल टू मेंटेन देयर यूनिटी इन द फेस ऑफ दिस ऑपोजिशन. So, जो अब हम देख रहे थे कि पूरे दुनिया को इन लोगों ने दो हिस्सों में तोड़ दिया था, थर्ड एक आवाज उठी थी द NAM पर, यहाँ पे क्या होने लगा 1980s में जाकर
जो नैम के अंडर कंट्रीज थे वो अपने बीच में डिस्प्यूट करने लगे थे, जबकि जो जो सुपीरियर कंट्रीज थी, जो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज थे, वो यूनाइटेड हो गए थे. एंड एज दे स्टूड यूनाइटेड, उन्होंने एनआईओ के जो कंसेप्ट है उसको फेड कर दिया, और हमारे नैम के मेंबर्स लड़ते रह गए. और अभी मतलब एक्चुअली हमारे नैम का भी मोटो अभी फेड होने लगा है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सो आज का क्लास यही तक था. इसका थर्ड पार्ट बनेगा एंड आई गेस दैट विल बी द लास्ट पार्ट, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड. अगर आप लोगों को ये मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक कीजिए और फिर उसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में. थैंक यू.